सभी किसान भाइयों को और मकान बरखाने की ओर से नमस्कार। हमारी चैनल आज का मंडी भाव में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। और किसान भाइयों, और डिस्क्रिप्शन में हमारी न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग, जिसमें खेती बाड़ी से हर की जानकारी दी जाती है, उसे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नीमच मंडी भाव की। नीमच मंडी भाव की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले हम तेजी और मंदी की बात कर ले तो अलसी, धनिया, चना और डालर चना में मूंगफली, पोस्ता दाना, रायड़ा और सोयाबीन में आई तेजी। वहीं इसबगोला, प्याज और लहसुन में हमें कुछ देखने को मिली नरमी। हम गेहूं की बात कर ले तो मिल का भाव रहा 1960 से 2040 रुपये प्रति क्विंटल में। एवरेज का भाव रहा 2040 से 2070 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं लोगबन का भाव रहा 2070 से 2250 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का का भाव रहा 1410 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल में। जौ का भाव रहा 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल में। अश्वगंधा का भाव रहा 16000 से 32000 रुपये प्रति क्विंटल में। अश्वगंधा पत्ती का भाव रहा 600 से लेकर 750 रुपये प्रति क्विंटल में। अजवाइन की बात कर ले 7500 से 9800 रुपये प्रति क्विंटल में। ग्रीन की बात कर ले 9800 से 13220 रुपये प्रति क्विंटल में। अलसी की बात कर ले तो अलसी का भाव रहा 8000 से लेकर 9450 रुपये प्रति क्विंटल में। इसबगोला का भाव रहा 9000 से लेकर 13000 रुपये प्रति क्विंटल में। उड़द का भाव रहा 2800 से लेकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल में। सोयाबीन की बात करें तो 7000 बोरी की आवक रही, ऊपर में 6500 के लगभग में बिका। वहीं दागी माल की बात कर ले तो दागी माल का भाव रहा 3800 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल में। बढ़िया माल का भाव रहा 5600 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल में। कलौंजी का भाव रहा कलौंजी की बात कर ले तो 17000 से 21000 रुपये प्रति क्विंटल रही। मैं धनिया की बात कर ली, बादामी धनिया 6000 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं ग्रीन की बात कर ले 7500 से 7900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं मसूर की बात कर ले 5500 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं मेथी की बात कर ले 4700 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल। मैं मेथा की बात कर ले 7100 से 7600 रुपये प्रति क्विंटल। मैं मूंग की बात कर ले 5000 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल। मैं मूँगफली की बात कर ले 3700 से 5700 रुपये प्रति क्विंटल। में तारा मीरा की बात करें 5300 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल। में तिल्ली की बात कर ले तो तिल्ली का भाव 7000 से ले 11700 रुपये प्रति क्विंटल। में रायड़ा की बात कर ले 6500 से 7550 रुपये प्रति क्विंटल। चना की बात करें तो काटावाल चना 3500 से 4300 रुपये प्रति क्विंटल। में विशाल चना 3600 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल। में डालर चना 4200 से 9400 रुपये प्रति क्विंटल। में तुलसी बीज की बात करें 7000 से लेकर 19000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज की बात कर ले तो प्याज में नीचे में 300 रहा, मैं मीडियम में 1000 और हाई में 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। लहसुन की बात कर ले तो 15000 बोरी के लगभग में आवक रही, जिसमें देसी माल 7000 रुपये तक बिका। फूटा माल 600 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। में छल्ली माल 1200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल। में मीडियम माल 2300 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। में लड्डू माल 3000 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल। लड्डू फुगोला मोटा मिक्स माल की बात कर ले 3500 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल। में फुगोला मोटा मिक्स माल की बात कर ले तो 5000 से लेकर 6000 रुपये प्रति क्विंटल। में बाक्स माल की बात कर ले 6000 से 7100 रुपये प्रति क्विंटल। ऊटी के माल की बात कर ले तो ऊटी का माल ऊपर में 8000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला, नीचे में 2500, मीडियम में 6000 और हाई में 8000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। पोस्ता की बात कर ले तो आवक 300 बोरी की रही, जिसमें बाजार सामान्य रहा। टीना पोला ऊपर में 185000 रुपये प्रति क्विंटल बीचा। में चालन सार 121000 से 140000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं गुलाब की बात कर ले 142000 रुपये से 152000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं मीडियम की बात कर ले 152000 से 165000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मैं सेमी की बात कर ले 165000 से 175000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टीना पोला की बात कर ले 175000 से लेकर 185000 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। सभी किसान बंधु और व्यापारी बंधुओं को हम सूचित करते हैं, केवल हम मंडी भाव बताते हैं का कार्य करते आते हैं। आप स्टॉक करें या व्यवसाय करें, अपने दिमाग एवं स्वयं विवेक के अनुसार करें, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारी न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग का लिंक, उसे भी जाकर जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।